गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का जो वीडियो है वो कक्षा 11वीं के लिए है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से हम किसी भौतिक राशि के मान को मात्रकों की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम किसी भौतिक राशि के मान को किस तरीके से चेंज करें। आज के वीडियो में मैं आपको बीमाओं के अनुप्रयोग के अंतर्गत यह बताने वाला हूं कि कोई भौतिक संबंध अगर आपके पास दिया है तो आप उसको चेक करें कि वह सही है या गलत है, और यदि गलत है तो उसका सही रूप क्या होगा। तो जो बीमाओं के गुण धर्म है वह हमें एक और ऑप्शन देता है कि हम किसी भी भौतिक रिलेशन को चेक कर सकते हैं वह सही है या गलत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी बात का अध्ययन करेंगे कि जो सूत्र हमें दिए जाते हैं वह सही होते हैं या गलत होते हैं, उन्हें बीमाओं के गुण धर्मों के आधार पर चेक करना। हम इस तरीके से इसकी शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले यह सोचते हैं ये साइन किस चीज का है। तो मैथमेटिक्स में आपने अच्छे तरीके से समझा है, इसे हम इक्वल्स टू कहते हैं या बराबर कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि इसके दाईं तरफ और बाईं तरफ जो राशियां हम लिखते हैं, जो मान हम लिखते हैं, उनके जो मान है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहां पर हम कह रहे हैं x इक्वल्स टू y, x अलग चीज है, y अलग चीज है, लेकिन बराबर हैं। बराबर का अर्थ हुआ कि जो x है और y है उनके मान एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होंगे। यानी कि ये साइन हमें यह बताता है कि कोई भी रिलेशन है, कोई भी संबंध है, यदि उसमें ये साइन आ जाता है तो उसका अर्थ होता है कि दोनों तरफ के मान एक दूसरे के बराबर है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई फॉर्मूला लिखा है, मान लीजिए यहां लिखा है एफ इक्वल्स टू एम ए, इस रिलेशन के साथ आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। F इक्वल्स टू एम ए यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसका अर्थ हुआ कि जो बल होता है उसका मान द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर ये बराबर होता है कह रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इधर के जो भी मान होंगे और इधर के जो भी मान होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अब हम चलते हैं कि किसी फॉर्मूले को हम किस आधार पर करेक्ट करते हैं। तो जब ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस साइड की जो बीमाएं होंगी और इस साइड की जो बीमाएं होंगी वह भी एक दूसरे के बराबर होंगी, क्योंकि सारी चीजों ने एक दूसरे के क्या होना है, बराबर होना है। और यही वो नियम है जिसके आधार पर आज आप किसी सूत्र के सही और गलत की पहचान करने वाले हैं। यह नियम कहता है कि यदि कोई भौतिक संबंध आपके पास दिया गया है तो उस संबंध के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो भी भौतिक राशियां दी गई हैं उनकी बीमाएं एक दूसरे के बराबर होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस तरफ की बीमा और इस तरफ की बीमा आपस में बराबर होगी। तो चलिए इसी रिलेशन को चेक कर लेते हैं। एफ यानी कि बल है, और बल की बीमा मैंने आपको बताई थी एम एल टी माइनस टू होती है, ये आपको याद रखना है। द्रव्यमान के लिए हम एम प्रयोग करते हैं और त्वरण के लिए हम एल टी माइनस टू प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये संबंध बिल्कुल सही है। यहां देखिए एम एल टी टू पावर माइनस टू, यहां देखिए एम एल टी टू पावर माइनस टू। इसका अर्थ यह हुआ कि जो ये संबंध हम लिख रहे हैं F इक्वल्स टू एम ए वह बीमीय रूप से सही है, और सूत्र भी फिर उसका क्या होगा, सही होगा। तो यहां पर जो भी फॉर्मूला आप चेक करने वाले हैं उसमें केवल आपने ये छोटी सी बात याद रखनी है कि जो सूत्र दिया है उसके दाईं तरफ और बाईं तरफ की बीमाएं एक दूसरे के बराबर होती है। तो चलिए फटाफट कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिनके आधार पर हम और अच्छे तरीके से इसको समझ लेते हैं।
यहां पर जो मैं पहला रिलेशन ले रहा हूं जिसे मुझे चेक करना है वो है एफ एस इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जो एफ एस है यह कार्य का मान है। जब भी आप कोई फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करें तो आपको यह पता लगना चाहिए कि जो वहां पर नोटेशंस दिए गए हैं या जो सिंबल दिए गए हैं वो किस भौतिक राशि को निरूपित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए एफ है तो यह बल को निरूपित करता है, एस है यह विस्थापन को निरूपित करता है, तो बल गुणा गया विस्थापन बराबर कार्य होता है। उसके पश्चात हाफ एम वी स्क्वायर तो यह गतिज ऊर्जा का मान है, और फिर हाफ एम यू स्क्वायर तो यह फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और यह इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। कुल मिलाकर यह वर्क ऊर्जा थ्योरम है। अब ये रिलेशन सही है या नहीं है इसकी पहचान हम किस तरीके से करने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने आपको कहा कि आपको इस तरफ की बीमाएं और इस तरफ की बीमाएं बराबर प्रूफ करनी है। यदि ये बराबर प्रूफ हो जाती हैं तो ये रिलेशन सही है, अगर नहीं होती है तो ये रिलेशन गलत है। तो आइए फटाफट इसको सीख लेते हैं। एफ बल है तो इसकी जो बीमा है वो इस तरीके से लिखी जाती है। एस एस के लिए हम एल प्रयोग करते हैं। हाफ कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है या एंगल है उनकी बीमा नहीं होती है, यानी कि वो बीमाहीन होते हैं, तो इसे आप रहने देंगे। m फिर से द्रव्यमान को निरूपित करता है तो इसकी बीमा m हो जाएगी, और यहां पर v जो है वेग को निरूपित कर रहा है तो इसकी बीमा l t माइनस वन होगी, लेकिन यहां पर बाहर से स्क्वायर आपको प्रयोग करना है। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी m l t माइनस वन और यहां से स्क्वायर आपको प्रयोग करना है। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर एम एल टी माइनस और यहां देखिए एल एक यहां है एक यहां है, तो इसे एल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। यहां पर एम बाहर से स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, टी टू पावर माइनस टू हो जाएगा, तो ये पहला वैल्यू आया। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ये भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर देखिए जो मैंने अक्सर देखा है बच्चे कहां पर गलती करते हैं, वो इसे देखते हैं बराबर है और इसे काट देते हैं और जीरो आंसर निकाल देते हैं। यहां आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है। यहां पर जो पद हैं, जब किसी भी भौतिक रिलेशन में धन और ऋण आता है उसका अर्थ होता है कि जो ये मान है वो एक दूसरे के बराबर है। जो प्लस और माइनस होता है यह पदों को अलग करते हैं, और जब हम गुणा और भाग की बात करते हैं यानी कि जहां पर मल्टीपल और डिवाइड आता है वो पदों को जोड़ते हैं, या उसमें ये यूं कहें आप कि सारे पद एक साथ होते हैं। मान लीजिए कोई रिलेशन है जैसे लिखा है f इंटू एस, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक ही पद है। इसमें और कुछ भी लिखा है, मान लीजिए एम लिखा है टी लिखा है, तो ये पूरा एक ही माना जाएगा, या अपॉन में कुछ और टी स्क्वायर लिखा है या कुछ और लिखा है, ये सारा एक पद है। लेकिन अगर यह लिखा है एफ प्लस एस प्लस एम प्लस टी, तो ये पद ये पद ये पद ये पद सारे अलग अलग हैं, यानी कि एफ अलग है एस अलग है एम अलग है और टी अलग है। साथ ही आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, बीमाओं के आधार पर कह रहा हूं, केवल आप समान राशियों को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह राशि इस राशि के बराबर है तभी इनको जोड़ा जा सकता है और घटाया जा सकता है। असमान राशियों को ना तो जोड़ा जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। यह भौतिक जो रिलेशन होता है यानी कि जो संबंध है उसकी मुख्य विशेषता है। तो यहां पर आपको केवल यह प्रूव कर देना है कि ये और ये बराबर है, तो ये इक्वल्स टू हम ये लिख सकते हैं, ये इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं। और आसान शब्दों में आप इस तरीके से समझिए कि ये जो पद है पहला उसकी बीमा बराबर इसकी बीमा, या इस पद की बीमा बराबर इस पद की बीमा। तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर इस पद की बीमा और इस पद की बीमा को अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल सही है।
इस पद की बीमा और इस पद की बीमा को हम देखते हैं तो बिल्कुल सही है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो सूत्र दिया गया है यह सही है। मान लीजिए अगर इसकी बीमा और इसकी बीमा में अंतर होता तो यह सूत्र सही नहीं होता। तो फिर आप चेक करते कि कहां इसमें गड़बड़ी है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाला हूं। तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट रिलेशन मैंने लिया है वह यह लिया है S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी। अब इसमें सबसे पहले मैं यही चेक करूंगा कि ये जो रिलेशन दिया है यह सही है या गलत है। तो फटाफट ये जान लेते हैं कि जो भौतिक राशियां दी गई हैं उनके यहां पर मीनिंग क्या है। जो S है यह विस्थापन को निरूपित कर रहा है या दूरी को निरूपित कर रहा है, U प्रारंभिक वेग को निरूपित कर रहा है, टी टाइम को, और जो एक्सलरेशन है वह ए के द्वारा यानी कि त्वरण को ए और फिर से टी टाइम को निरूपित कर रहा है। जो मैंने अभी आपको तरीका बताया था उसके आधार पर आप देखेंगे कि इस साइड की बीमा और इन दोनों की अलग अलग बीमाएं, शब्दों पर ध्यान दीजिए, इन दो पदों की अलग अलग बीमाएं इसके बराबर हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले यहां की जो बीमा है वह क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, विस्थापन की बीमा L होती है। जो U की बीमा है उसके लिए आप प्रयास करेंगे तो U के लिए L T माइनस वन होता है, फिर मल्टीपल में है तो इनटू T की बीमा T हो जाएगी, टाइम के लिए प्रयोग किया, प्लस हाफ, फिर से जो वन अपॉइंट टू है उसकी कोई भी बीमा नहीं होगी, A A की बीमा L T माइनस टू होती है, इनटू फिर से t है तो यहां पर हम टाइम की बीमा t लिखने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था वेग, त्वरण, बल और कार्य की बीमाएं आप याद रखें, उससे आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी भी जिन छात्रों को प्रॉब्लम हो रही है बीमाओं को ज्ञात करने में तो वह पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बीमाओं को किस तरीके से ज्ञात किया जाता है वो सिखाया था। तो यहां देखिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां अभी भी L रहने वाला है, यहां पर देखिए T और माइनस T, तो यहां पर L आ जाएगा, T टू पावर में फिलहाल जीरो लिख रहा हूं, प्लस यहां पर देखिए L और T माइनस वन बचेगा क्योंकि ये स्क्वायर में है, माइनस टू है और ये वन है तो घातें जुड़ती है, माइनस टू प्लस वन इक्वल्स टू माइनस वन, और यहां पर मैंने जीरो दिखाया है, माइनस वन और प्लस वन। तो यहां देखिए इस साइड L आपको प्राप्त होता है, इस साइड आपको L प्राप्त हो चुका है, प्लस यहां आपके पास एल टी माइनस वन है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो भौतिक संबंध है यह सही नहीं है। कैसे पहचाना आपने, ये और ये मैच कर रहे हैं, सही है, लेकिन यहां एल टी माइनस वन आ रहा है जबकि हम देख रहे हैं जो बीमा है वह L आनी चाहिए। इस तरफ हमारे पास जो बीमा है वह L है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें एक T और होना चाहिए था क्योंकि यह T कब जीरो हो जाएगा, क्योंकि यह T कब समाप्त होगा, जब यहां पर एक और T मल्टीपल में होगा। हमने देखा था इस वाले केस में यहां पर एक T मल्टीपल किया था तो यह T टू पावर जीरो हो गया था, और किसी भी राशि की पावर यदि जीरो हो उसका मान वन होता है। तो यहां पर एक और टी की आवश्यकता है, यदि एक टी और होता तो यह भी टी टू पावर जीरो होता और एल प्राप्त होता। इसका अर्थ यह हुआ कि यहां प्रॉब्लम है, यहां एक टी और होना चाहिए। तो हम सभी लोग जानते हैं जो ये रिलेशन होता है वह एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, गति का द्वितीय समीकरण है। तो आप देखिए जो बीमाओं का अनुप्रयोग है उसके आधार पर हम किस तरीके से सूत्रों की करेक्टनेस चेक कर रहे हैं। हमें पता लग चुका है कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और वह गड़बड़ी किसकी थी, इसमें एक टी कम गुणा हुआ था और वो हमने जब गुणा किया तो रिलेशन ये आया और वहां मैंने आपको चेक करा दिया, उसके बाद यहां पर L प्राप्त। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, V इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर। फिर से सबसे पहले नोटेशन देख लेते हैं, ये जो V है यह वेलोसिटी को निरूपित कर रहा है,
जो जी है यह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वतिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जो एम है यह पृथ्वी के द्रव्यमान को दिखा रहा है, और जो आर है यह पृथ्वी की त्रिज्या को दिखा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ, ये दूरी है और ये जो मान है यह द्रव्यमान है। यहां पर जो जी है उसकी बीमा हमें या तो पता होनी चाहिए, अगर पता नहीं है तो हमें वह ज्ञात करनी आनी चाहिए। तो किस तरीके से ज्ञात की जाएगी, तो ये एक बड़ा ही फेमस रिलेशन है, F इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, और उसके द्वारा यह सूत्र मिलता है हमें, F इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये कहता है कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे पर कितना बल लगाती हैं, उस बल का मान जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहां हम केवल बीमा ज्ञात करना जानते हैं। तो यहां से यदि मैं g निकालूं तो g इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू हो जाएगा। देखिए, जैसे आपको मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं, उसी तरीके से यहां भी आपने सॉल्व किया। आपको g चाहिए था, f के साथ r का मल्टीपल हो जाएगा और ये अपॉन में चले जाएंगे। तो देखिए, f की बीमा एम एल टी माइनस टू, आर के लिए एल स्क्वायर, और के जी के जी यानी एम इंटू एम। देखिए जल्दी से मैंने इसको फाइंड कर लिया है, ये न्यूटन के लिए मैंने आपको कहा था याद करने के लिए, एल स्क्वायर हो जाएगा, दूरी का स्क्वायर है, और केजी केजी यानी कि द्रव्यमान का भी स्क्वायर, तो ये मैंने ले लिया है। और सॉल्व करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है एम टू पावर माइनस वन। देखिए यहां एक पावर है और यहां दो, तो एक बचेगी एल, यानी एल क्यूब हो जाएगा, एक ये है दो ये है, और टी टू पावर माइनस टू। तो देखिए जल्दी से हमने जी की बीमा भी फाइंड कर ली है। अब देखते हैं ये रिलेशन सही है या नहीं है। तो इस साइड की बीमा आपको लिखनी है, वो हो जाएगी एल टी माइनस वन इज इक्वल्स टू अंडर रूट को आप एक बड़े ब्रैकेट के साथ वन अपॉन टू लिख सकते हैं। जहां पर अंडर रूट लिखा जाता है उसे आप पावर करके वन बाई टू भी लिख सकते हैं। टू की कोई बीमा नहीं होगी, जी की बीमा हमने फाइंड की है जो कि है m टू पावर माइनस वन, l टू पावर थ्री और t टू पावर माइनस टू। यहां देखिए इसके साथ मल्टीपल में m है तो इन टू यहां पर m कर दें, फिर अपॉन में देखिए r है तो r की बीमा l हो जाएगी। अब इसे सॉल्व कीजिए तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी m टू पावर जीरो बचेगी, l की एक पावर कैंसिल हो जाएगी यानी कि l स्क्वायर बचेगा, और t टू पावर माइनस टू बचेगा, और ये देखिए वन अपॉन टू। तो यहां पर क्या बचा है, l t माइनस वन टू टू और पावर वन अपॉन टू। वैसे आपको पता लग गया होगा कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर नहीं पता लगा है तो दो तरीके से आप लिख सकते हैं। इसे आप लिख सकते हैं एल टी माइनस वन टू स्क्वायर इन टू वन बाई टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एल टी माइनस वन बचेगा। इलेवंथ लेवल पे मुझे नहीं लगता इस कैलकुलेशन को समझने में आपको प्रॉब्लम है। यदि इससे भी ज्यादा दिक्कत है तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं एल टी माइनस वन इन टू एल टी माइनस वन, और बाहर से है वन अपॉन टू जिसका अर्थ होता है अंडर रूट। तो आपको पता है कोई भी चीज अंडर रूट में यदि दो बार मल्टीपल होती है तो हम एक बाहर ले लेते हैं, और वैसे ये इसका तरीका है। यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, टू 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 बाहर ले लिया, यहां पर पावर माइनस वन बचेगी और ये कैंसिल हो गया, ये बचा। तो देखें आप इस साइड की जो बीमा है वह भी एल टी माइनस वन है, और यहां की जो बीमा है वह भी एल टी माइनस वन है। तो कुल मिलाकर हमने अच्छे तरीके से ये सीख लिया है कि किस तरीके से किसी भौतिक रिलेशन की सत्यता हम जांच कर सकते हैं, वह सही है या गलत है वो हमने देख लिया है। कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं।
यहां पर जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और अक्सर परीक्षाओं में यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन है पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। ये कुल मिलाकर पी भी इक्वल्स टू आर टी जो हमारे पास आदर्श गैस इक्वेशन होती है उसका ही एक रूप है जिसे हम वंडरवॉल इक्वेशन कहते हैं। यहां पर जो ए और बी हैं ये कांस्टेंट हैं यानी कि अचर राशियां हैं और इनकी बीमा हमें ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम गलती क्या करते हैं, हम इस साइड की बीमा और इस साइड की बीमा आपस में बराबर रखते हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी होती है, जबकि हम अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। वह किस तरीके से, तो यहां पर देखिए मैंने एक और नियम आपको बताया था, मैंने कहा था कि कोई भी भौतिक रिलेशन अगर दिया है उसमें जो पद जोड़े गए हैं अथवा घटाए गए हैं यानी कि जिनको हम ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वे केवल तभी हो सकते हैं जब उनकी बीमाएं बराबर हों। इसको ज्यादा ध्यान रखिए आप, दो पद केवल तभी जोड़े जाते हैं या घटाए जाते हैं जब उनकी बीमाएं एक दूसरे के बराबर हों। अब केयरफुली इस रिलेशन को देखिए पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, तो यहां P और ये जो पद है यानी कि P और A अपॉन V स्क्वायर ये जुड़े हुए हैं आपस में, तो इसका अर्थ ये हुआ इसकी बीमा और इसकी बीमा बराबर होगी। ठीक इसी प्रकार V माइनस B है ये आपस में सबट्रैक है, इसका अर्थ ये हुआ कि इस पद की बीमा और इस पद की बीमा आपस में बराबर होगी। बस इतनी सी बात थी, हो गया आंसर। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें तो V की बीमा, V क्या चीज है, आयतन है, और जो B है वह अचर राशि है, तो हम कहेंगे B की बीमा बराबर V की बीमा। अब देखिए V की बीमा सीधे लिख लेते हैं L क्यूब, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो जो B की बीमा है वो हमें प्राप्त हो चुकी है, यहां पर इस तरीके से लिखे B की बीमा ये हमें प्राप्त हो चुकी है, देखिए बहुत जल्दी हमने फाइंड कर ली है। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने बी की जो बीमा थी वह ज्ञात कर ली थी और वह वी की बीमा के बराबर यानी कि एल क्यूब हमें प्राप्त हो गई थी। ठीक इसी प्रकार हम इस रिलेशन का प्रयोग करते हुए यानी कि पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर से ए की बीमा ज्ञात करेंगे, जो ए की बीमा है यह हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए किस तरीके से ज्ञात करते हैं, ये दो पद आपस में ऐड हो रखे हैं और जब ऐड हुए हैं या सबट्रैक हुए हैं तो मैंने कहा आपको कि इनकी बीमाएं आपस में बराबर होंगी, तो यहां पर रिलेशन हो जाएगा पी की बीमा इज इक्वल्स टू ए अपॉन वी स्क्वायर की बीमा। अब देखिए जो पी है यह प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल्स टू आप होता है एफ अपॉन ए की बीमा। यदि आपको सीधे बीमा ज्ञात है तो आप लिख दीजिए, यहां पर मैंने उसे ब्रेक कर लिया है ताकि जिनको पता ना हो वो भी आसानी से कर सकते हैं। यहां देखिए ए की बीमा हमें फाइंड करनी है तो ए की बीमा लिख लेते हैं अपॉन जो वी है यह आयतन है, तो यहां पर हो जाएगा आयतन का स्क्वायर, तो एफ की बीमा होती है एम एल टी माइनस टू अपॉन ए है ये क्षेत्रफल है, इसकी बीमा होती है एल स्क्वायर, ए की बीमा हमें ज्ञात करनी है, आयतन के लिए मैंने एल क्यूब प्रयोग किया था और भार से है स्क्वायर। तो देखिए इसको हम अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले ये वाला पक्ष देख लेते हैं, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस एल माइनस वन टी माइनस टू, ये बचा इसके इस वाली साइड में इज इक्वल्स टू ए और यहां हो गया एल टू पावर सिक्स। अब a की वैल्यू चाहिए तो a इज इक्वल्स टू नॉर्मल मल्टीपल कीजिए m l माइनस वन इंटू एल सिक्स और t माइनस टू, तो a की बीमा हो जाएगी m l टू पावर फाइव और t टू पावर माइनस टू। तो देखिए कितने आसानी से हमने a की बीमा फाइंड कर ली है, b की बीमा थी l क्यूब और a की बीमा मिली हमें
एम एल टू पावर 5 और टी टू पावर माइनस 2। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आज हमने जो बीमाएं थी उनके गुणधर्मों का प्रयोग करके किसी भौतिक रिलेशन की सत्यता जांच की और यह देखा कि वह सही है या गलत है। यदि सही है तो अच्छा है, गलत है तो कितना गलत है, उसमें कौन सी भौतिक राशि मिसिंग है, और साथ ही यदि कोई रिलेशन दिया है और उस रिलेशन में हमें यह पूछा जाता है कि जो अचर राशियां हैं उनकी बीमाएं क्या होंगी, तो ये वाला जो मैंने आपको प्रश्न बताया उसके थ्रू आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप कितने भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नियम एक ही है, यदि उसका अनुप्रयोग आपको एक क्वेश्चन में आ जाता है तो कितनी भी वैरायटीज आपके पास क्वेश्चन की हो आप अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आपको समझ में आ जाएगा। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए कि हमें ये प्रॉब्लम हुई है, ताकि मैं और सुधार करके और बेटर वीडियोस आपके लिए लेके आ पाऊं। धन्यवाद।